हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने जूलॉजी के प्रीमियम कोर्स को लेकर आपके सामने फिर आ गए हैं। जो बच्चा इसमें इंटरेस्टेड हो वो इसे बुक कर सकता है और पूरे एक साल अनइंटरप्टेड जितनी बार उन लेक्चर्स को देखना चाहे वो देख सकता है। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको बार बार रिवीजन कराता रहेगा और आपको क्लासरूम की फीलिंग आपके घर बैठे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ये वीडियो होंगी कैसी, उसके एग्जाम्पल्स आपके यूट्यूब पर दिए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो आपको डिस्प्ले में नंबर दिखाई दे रहा है, फोन नंबर, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे और कैसे ये आपको मिल पाएगा। गुड लक। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो इस प्रकार था, द करेक्ट रूट थ्रू विच द पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट, यानी जो कंडक्शन होता है ऐसे नोड से जो इम्पल्सेज जनरेट होती हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वो पूरे हार्ट में ट्रेवल करता कैसे है। तो बहुत सीधा सा सीक्वेंस है, ऐसे नोड इम्पल्सेज यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वहां से इंटर नोडल पाथवे के थ्रू वो राइट एट्रिया की दीवार से होता हुआ एवी नोड तक पहुंचता है। तो ऐसे नोड के बाद एवी नोड आना चाहिए। बस इतनी सी बात जिस बच्चे को पता है आंसर उसे मिल गया होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में ऐसे नोड से परकिंजे फाइबर है, थर्ड ऑप्शन में एवी नोड से शुरू हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में एवी नोड से शुरू हुआ है। तो आंसर तो यही आ गया हमारा कि बी ऑप्शन होना चाहिए। बट एवी नोड से हमारे यहाँ एवी बंडल एराइज होता है। एवी बंडल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होता हुआ बंडल ब्रांचेस लेफ्ट एंड राइट बनाता हुआ वो आगे जाकर के परकिंजे फाइबर में तब्दील हो जाता है। तो जो परकिंजे फाइबर है और बंडल ब्रांच है, इन दोनों को मिला के हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, और फाइनली रीचेस टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल यानी हार्ट मसल। इस लिहाज से बी आंसर सही होगा, दैट इज एसए नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस टू परकिंजे फाइबर टू हार्ट मसल्स। तो सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया, इट्स ए वेरी गुड थिंग, यू हैव डन वेल। लेकिन जिस बच्चे ने सबसे पहले आंसर सही किया, इस नेम इज शिवा देवी। शिवा देवी, कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड शायद आपका नाम पहली बार मैं बोल रहा हूँ जहां तक मुझे ध्यान है, इसलिए विशेष रूप से बधाई। सभी बच्चों को बधाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सब ने आंसर किया। मैं चाहता हूं ये रिदम ऐसे ही बनाए रखें और इस क्वेश्चन में शामिल रहें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को आपके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स द डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन डिसऑर्डर्स में हर चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी में कुछ डिसऑर्डर्स दिए गए हैं जिनमें हम कुछ बीमारियों को ब्रीफली पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको ब्रीफली टॉपिक को इंट्रोडक्शन कर बता दूं। सबसे पहली जो डिजीज आपको दी गई है, दैट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो। तो नेट प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन इट्स वॉल इज नोन एज एन ब्लड प्रेशर। सामान्य कंडीशन में इट इज 120/80 मिलीमीटर ऑफ एचजी। इसे हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। यही जो ब्लड प्रेशर है, अगर बार बार चेकअप करने पर 140/90 या इससे ज्यादा नजर आता है तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है हमारी ब्लड कैपिलरीज पर। ए लॉट ऑफ चांसेस कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो हमारी ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो सकती हैं, और अगर ये रप्चर यानी हिमोहरेज फाइन ब्लड कैपिलरीज ऑफ द वाइटल ऑर्गन में होता है, जैसे ब्रेन है, किडनी है या फिर हार्ट है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके बॉडी पर नजर आता है। दूसरी बीमारी दी गई है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस डिजीज का एक दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट मीन्स हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड कैल्शियम आयन। इसको हम एथिरोमा कहते हैं। एथिरोमा की वजह से हमारी ब्लड वेसल में हार्डनिंग आ जाती है।
एथेरोमा डिपॉजिट होने की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी है उसका रास्ता संकरा हो जाता है, जिससे रिस्पेक्टिव हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन और ब्लड कम मिलता है, यानी दैट विल कॉज द इश्चीमिया, और इसका नतीजा इश्चीमिक हार्ट डिजीज होता है। तीसरी बीमारी दी गई है एंजाइना। एंजाइना का पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना का मतलब होता है एक्यूट चेस्ट पेन विच यूजुअली रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म। लेकिन सर ये जो एंजाइना है ये हमारे यहां पर एक सिम्टम है। कब? जब इश्चीमिक हार्ट डिजीज होती है तभी एंजाइना नजर आता है, जब बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आती है। सर ये बीमारी जो है IHD जिसका नतीजा एंजाइना है, ये किसी भी एज में हो सकती है, मेल या फीमेल किसी को भी हो सकती है, बट मोर चांसेस ऑफ द मिडिल एज एंड एल्डर पीपल। सर एंजाइना इज अ सिम्टम ऑफ द डिजीज विच इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टू द हार्ट मसल्स। सर अगली बीमारी जो दी गई है दैट इज हार्ट फेल्योर। फेल्योर का मतलब होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसे आप अचीव ना कर पाए। हार्ट फेल्योर, हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, जितनी हमारी बॉडी की डिमांड है उसी रिस्पेक्ट में ब्लड को पंप करे। लेकिन अगर हमारा हार्ट एज पर बॉडी डिमांड ब्लड को पंप ना कर पाए तो उसे हम हार्ट फेल्योर कहते हैं। इसका एक सबसे कॉमन सिम्टम आता है जो अक्सर नजर आ जाता है, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। क्योंकि जब वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाता तो उसका बैकफ्लो होता है राइट एट्रिया पर, लेफ्ट एट्रिया पर, फिर लेफ्ट एट्रिया से जो बैकफ्लो होता है वो लंग्स पर होता है। इसलिए कंजेशन ऑफ द लंग्स इज द मेन सिम्टम ड्यूरिंग हार्ट फेल्योर। हाँ, हार्ट फेल्योर को कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ट फेल्योर का मतलब हुआ कि ब्लड इफेक्टिवली जितनी आपकी बॉडी की डिमांड है उसे पंप ना कर पाए, जबकि कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है दिल धड़कना बंद कर दे, और हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, जब कोई इश्चीमिक हार्ट मसल जो लंबे समय से इश्चीमिया से पीड़ित है अचानक कार्डियक मसल डैमेज होती है, डेड हो जाती है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा। अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कराते रहे हैं हर वीडियो में, तो मैं फिर वो क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने जो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया सर, ये वही है जो आपने NCERT में पढ़ना है जी। क्वेश्चन नंबर वन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज आफ्टर रेफर टू एज। कोरोनरी डिजीज को सामान्यतः हम कैसे रेफर करते हैं? आफ्टर लिखा हुआ ऑफन होना चाहिए, इज ऑफन रेफर टू एज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे CAD कहते हैं, ये सामान्यतः एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। स्क्लेरोसिस का मतलब हार्ड हो जाना, और एथेरो बना है एथेरोमा शब्द से। तो जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज में हार्डनिंग हो जाती, जबकि कोरोनरी वॉल जो होती है वो इलास्टिक होती है जस्ट टू सस्टेन एक्स्ट्रा प्रेशर, लेकिन अगर उसकी वॉल जो है हार्ड हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सम फैटी टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम, नतीजा रास्ता संकरा हो जाएगा, ब्लड सप्लाई पुअर हो जाएगी, एंड दैट विल रिजल्ट एज ए इश्चीमिया, दैट इज इश्चीमिक हार्ट डिजीज। तो आंसर सी होना चाहिए कि इट इज ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, जॉन्डिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ। तो जॉन्डिस का एक बड़ा टेक्निकल नाम है एक्टरस, ICTERUS, हिंदी में इसे पीलिया कहते हैं। इसकी पहचान होती है दैट इज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। सामान्यतः आपके ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा 0.2 से 0.8 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है। जब इसी बिलिरुबिन की मात्रा में इजाफा हो जाता है और ये बढ़ करके 1.5 mg पर 100 ml से ज्यादा हो जाती है, तो देन
द पर्सन इज डायग्नोज्ड एज ए जॉन्डिस। तो बिलिरुबिन इज ए बाइल पिगमेंट, इट इज फॉर्म्ड इन द लिवर, और लिवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसलिए जॉन्डिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था कि हम स्किन या आईज की बात कर सकते थे। स्किन और आईज में जॉन्डिस के सिर्फ सिम्टम्स नजर आते हैं, लेकिन वो डिसऑर्डर स्किन और आईज का नहीं है। स्किन और आईज का डिसऑर्डर होता तो हम ईचिंग या कोई और आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर बताते। तो वहां पर सिम्टम्स के नाम पे आप में जरूर नजर आता है पीलिया, अदरवाइज बेसिकली जॉन्डिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर हार्ट फेल्योर। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है हार्ट फेल्योर के लिए सही कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, यानी हार्ट की एक ऐसी कंडीशन जब हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं करता, इतना पंप नहीं करता कि जो हमारी बॉडी की नीड्स है उसे पूरा कर सके। सही स्टेटमेंट है। फेल्योर का मतलब ही होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसे आप प्रॉपरली काम ना कर पाए। सेकेंड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, सम टाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। सही बात है। क्यों? क्योंकि सर इसकी शुरुआत होती है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो जाहिर बात है बैकफ्लो ऑफ ब्लड होगा एंड दैट विल कॉज द कंजेशन इन द लंग्स। इसीलिए हम सामान्यतः या कभी कभी हम इसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज अ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज। तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है हार्ट स्टॉप बीटिंग। सर दिल धड़कना अगर बंद कर दे तो हम फेल्योर नहीं कहते, तब हम अरेस्ट कहते हैं। तो सी नहीं हो सकता, बट डी ऑप्शन देखें, बोथ ए एंड बी, यस इट शुड बी द करेक्ट। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हमने ईसीजी पढ़ाते वक्त आपको बता रखा है कि जब दिल धड़कना बंद कर देता है, डिफ्लेक्शन वेव आना बंद हो जाती है, तो उसी को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। लॉजिकल है कि किसी भी चीज को अगर अरेस्ट कर दिया जाएगा, मींस बांध दिया जाएगा, तो जाहिर बात है वो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगी। फेल होने का मतलब आपने काम किया लेकिन जितनी जरूरत थी उतना नहीं किया, और अरेस्ट होने का मतलब आपने काम किया ही नहीं। इस लिहाज से सी ऑप्शन सही होना चाहिए, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर हार्ट अटैक। चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है हार्ट अटैक के लिए सही क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। सर ये अटैक नहीं है, इट्स ए डेफिनेशन ऑफ फेल्योर, जहां हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन है हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। सर ये भी अटैक नहीं है, इट शोज द कार्डियक अरेस्ट। थर्ड ऑप्शन, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट मसल जो है वो अचानक डैमेज हो जाती है, मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि लगातार दैट इज सफरिंग फ्रॉम इस्चीमिया। यस इट इज द करेक्ट। हार्ट अटैक को ही मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति IHD का पेशेंट है, यानी इस्चीमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, सो लॉन्ग टाइम में अचानक उसकी कार्डियक मसल डेथ हो जाती है, और कार्डियक मसल मर जाएंगी तो वो फिर से रिजनरेट नहीं करती, दैट्स रिप्लेस्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट कमजोर हो जाता है। तो यस फिफ्थ का आंसर सी होना चाहिए। लेकिन बात आती कि हम पहचानते कैसे हैं, तो ECG पढ़ते वक्त ये बात आई थी कि हम बीमारियों में बहुत जगह पर ECG एक बेसिक जांच के रूप में जानते हैं। तो व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम IHD, जो टी वेव होती है वो डाउन हो जाती है, नीचे हो जाती है, उसका वोल्टेज कम हो जाता है, मीन डिफ्लेक्शन वेव की जो हाइट है टी वेव वो कम हो जाती है। तो IHD
अगर वो काफी एलिवेट हो जाती है, दैट शोज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ऐसा क्यों होता है ये आपके मतलब का नहीं है, अगर आपको रिलेट कर सकते हैं तो इतना जरूर ध्यान रखिए कि अगर हमारी टी वेव थोड़ी फ्लैट हो जाती हो, उसका वोल्टेज कम हो जाता हो, दैट रिप्रेजेंट IHD। जब टी वेव का वोल्टेज यानी हाइट बढ़ जाती हो तो वो MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कोरिलेट जरूर करिए, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ डोंट ट्राई टू लर्न, जब मैं बोलता हूँ तो आपके सामने पिक्चर चलनी चाहिए, जो आपने पढ़ रखा है उसी के साथ हमारे सेंटेंसेस रोटेट करने चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है यू शुड बी वेरी हैप्पी क्योंकि आपको चीजें आती हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं लेकिन आपके सामने आपका पढ़ा हुआ टॉपिक रोटेट नहीं कर रहा है, तो इट नीड्स द अगेन स्टडी ऑफ योर टॉपिक। खैर, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इंपल्स कंडक्शन फेल्स टू पास फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, जब हमारी इंपल्सेज यानी एक्शन पोटेंशियल जो ऐसे नोड ने जनरेट किया एट्रिया तक में हुआ, फिर वो AV नोड, AV बंडल, बंडल ऑफ फेस के माध्यम से हम वेंट्रिकल तक पहुंचाते हैं, अगर ना पहुंच पाए इट मींस दैट ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है कि अगर रास्ता ब्लॉक है तो जो चीज उस पैसेज से जा रही है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो यही बात इंपल्स कंडक्शन में भी है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट तो होता है एट्रिया में लेकिन वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाता है, एंड दैट इज नोन एज एन हार्ट ब्लॉक। ऐसा बड़ा कॉमन है, एक बीमारी है रोमैटिक हार्ट डिजीज, रोमैटिक फीवर भी कहते हैं सर, उसमें ये बहुत कॉमन है। खैर, हार्ट ब्लॉक आप किताब में नहीं लिखा है कहीं, फिर भी वन क्वेश्चन इज गिवन हेयर जस्ट टू थिंक द डेफिनेशन ओनली, दैट इज हार्ट ब्लॉक, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिसिंग साउंड अपीयर ड्यूरिंग आफ्टर बिफोर हार्ट साउंड ड्यू टू वॉल्वुलर स्टेनोसिस नेम्ड एज, स्टेनोसिस शब्द कहलाता है तब जब हमारा वॉल्व है हार्ट के वो प्रॉपरली बंद ना हो, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द हार्ट वॉल्व, चाहे वो बाइकस्पिड हो, ट्राइकस्पिड हो, सेमिल्यूनर हो, कोई भी वॉल्व अगर प्रॉपरली सही तरीके से बंद ना हो पाए तो टर्म इज स्टेनोसिस। तो अब आपके पास जब वेंट्रिकल या एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दैट विल गिव द हिसिंग साउंड, तो जो लप और डप की आवाज आती है सडन क्लोजर ऑफ द हार्ट वॉल्व की वजह से, तो उससे पहले, उसके बाद या उसके दौरान एक हिसिंग साउंड आनी शुरू होती है, एंड दैट साउंड इज नोन एज एन मर्मर। थिंक एंड लिसन, लप डप लप डप, इस आवाज में हमने डप के बाद हिसिंग साउंड बोला, दूसरा सुने लप डप लप डप, तो ये एग्जांपल है जिसमें हमने डप के पहले कहा, लप के बाद कहा। तो अगर आपको लप और डप साउंड तो सुनाई दे लेकिन उनके बीच में, इन दोनों के बीच में पहले या बाद में कहीं कोई मर्मर सुनाई दे, दैट रिप्रेजेंट द स्टेनोसिस। वो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि स्टेनोसिस कैसे हम डायग्नोस करते हैं, इसी मर्मर से कोरिलेट करते हैं कि जिस हार्ट साउंड के बाद या पहले आएगा उसी से रिलेटेड हमारी वॉल्वुलर स्टेनोसिस नजर आएगी। आंसर हमारा आ चुका है 7th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल इज फीचर ऑफ, एक ऐसा सिम्टम जिसमें आपको अचानक दर्द शुरू हो जाता है, एक्यूट, एक्यूट की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा गलत छपी हुई है, ACUTE होना चाहिए, एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर, जब हमारी ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली हार्ट मसल को नहीं पहुंच रही है, यानी इस्चीमिया। तो जब इस्चीमिया होता है और उस समय अगर आप कभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाते हो, हार्ट का फंक्शन बढ़ाते हो, तो अचानक आपकी छाती में दर्द शुरू होता है, द टर्म इज नोन एज एन एंजाइना। ये लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में दर्द शुरू होता है और सामान्यतः लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर जाता है, इस लिहाज से डी आंसर होना चाहिए, दैट इज एंजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाइपरटेंशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर
इन द रेगुलर चेकअप विच इज, तो सामान्यतः जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80, पहले जो हम बोलते हैं वो सिस्टोलिक बोलते हैं, बाद में जब हम बोलते हैं तो डायस्टोलिक बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है पल्स प्रेशर। तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर रेगुलर चेकअप के दौरान 140/90 या उससे ज्यादा नजर आता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। मींस वहां पर जहां पल्स प्रेशर यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो डिफरेंस है वो 50 mmHg से ज्यादा नजर आता हो तो हाइपरटेंशन है। इस लिहाज से बी ऑप्शन होना चाहिए 140/100। यहां पर आप देखें तो 40 mmHg ही नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये आपके यहां पर ये हाइपरटेंशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, स्मॉल मैश लाइक डिवाइस मेड अप ऑफ मेटल प्लेस्ड इन साइड कोरोनरी आर्टरी कीप वेसल्स डायलेटेड। ये एक मॉडर्न आपकी सर्जरी है कि एक बहुत पतली सी झिल्लीदार कोई मेटालिक एक मैश लाइक जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है वो कोरोनरी आर्टरी में डाला जाता है। तब डाला जाता है जब पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सर्टेन प्लेक। हमारी सारी कोशिशें समाप्त हो जाती हैं, हम प्लेक को डिसॉल्व नहीं कर पाते, तो ये जो मैश लाइक डिवाइस डाली जाती है जस्ट टू कीप डायलिटेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, ताकि कोरोनरी आर्टरी डायलेटेड फॉर्म में बनी रहे जिससे हार्ट मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता रहे। एंड दिस इज नोन एज एन स्टेंट। स्टेंट आज की डेट में बहुत कॉमन है, जब भी हमें ब्लॉकेज नजर आता है कहीं पर कोरोनरी आर्टरीज वगैरह में ब्लड सप्लाई कुछ हिंडर अप होती है तो बड़ी कॉमन सर्जरी है दैट से स्टेंट, इसलिए स्टेंट डाला जाता है ताकि ब्लड सप्लाई लगातार मेंटेन रहे। एंड यस आंसर इज ए। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन कराने के दौरान हमने टॉपिक को भी थोड़ा डिस्कस किया, इवन इसके शुरुआत में भी ब्रीफली डिस्कशन किया। हर वीडियो में मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे वीडियोस को आप बहुत ध्यान से सुने। मैं अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टली कोशिश करता हूँ कि वो टॉपिक आपको ब्रीफली रिवाइज हो जाए, लेकिन आज रिवाइज हो जा रहा है तो एक अच्छी बात है, लेकिन जब आपको समय मिले जो पुराने वीडियोस हैं क्वेश्चन से रिलेटेड एटलीस्ट, क्योंकि टॉपिक्स तो आपने पढ़े ही हैं, टॉपिक में नहीं इंसिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस के वीडियोस को आप रिपीट करते रहें, देखिए आपका ये टॉपिक कभी मिस नहीं होगा। और इसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आज आपका प्रिपेयर है इसी फॉर्म में मई तक ये प्रिपेयर बना रहेगा और यू विल एंजॉय योर टॉपिक ऑन योर टिप्स। तो इसलिए मैं ये आपसे कहूँगा कि जब आपको समय मिले आप इन वीडियोस को रिपीट करते रहें, उस समय देखें जिस समय आप पढ़ नहीं रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और एक एंटरटेनमेंट भी हो जाए। फिर आप उसके साथ पिक्चर अपने दिमाग में लाइए कि जो आप पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो पिक्चर क्लियर बननी चाहिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। यस हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन द डे जो आपके लिए इस वीडियो में है वो इस प्रकार है। एट्रियल डायस्टोल टेक प्लेस, जो एट्रियल डायस्टोल है वो कब होता है। चार ऑप्शन है, राइट एट्रियम इज फिल्ड विद ब्लड, सेकेंड ऑप्शन लेफ्ट एट्रियम इज फिल्ड विद ब्लड, थर्ड ऑप्शन है बोथ एट्रियम इज फिल्ड विद ब्लड एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ वेंट्रिकल आर फिल्ड विद ब्लड। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आई विल वेट फॉर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Oh, 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 oh